बाजरा संसद के मॉनसून सत्र की भी करते हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। केंद्र सरकार की तरफ से आज दो बिल अध्यादेश की जगह लेने के लिए लोकसभा में पेश किए जाएंगे। राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजेस की प्रवेश परीक्षा को नीट से बाहर रखने के लिए जारी अध्यादेश की जगह केंद्र सरकार आज लोकसभा में दो बिल, भारतीय मेडिकल काउंसिल संशोधन बिल 2016 और डेंटिस्ट संशोधन बिल 2016 पेश करेगी। दोनों अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत MBBS और BDS में दाखिले के लिए नीट लागू करने के लिए लाए गए थे। सरकार अब अध्यादेश की जगह बिल लाएगी। बिल के जरिए 2016-17 के लिए राज्यों की मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को नीट से छूट देने पर संसद की मोहर लगनी है। दोनों बिलों को सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाना था, लेकिन बीजेपी के दिवंगत सांसद दलपत सिंह परास्ते को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्रवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए मंत्रियों का संसद के दोनों सदनों में परिचय कराया था। तो संसद का ये मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। संसद में रणनीति पर चर्चा के लिए सोमवार शाम एनडीए और बीजेपी की अलग अलग बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद में सहयोग के लिए एनडीए की सभी पार्टियां एकजुट हैं। किया और पार्लियामेंट में जो भी सरकार का एजेंडा है उसके लिए सब साथ देंगे, यही चर्चा हुआ उसमें। और आज जो राज्यसभा में तो कश्मीर के बारे में चर्चा पूरा हो चुका है, आगे चर्चा लोकसभा में भी करेंगे। हम सब लोग सरकार को साथ देंगे, ऐसा सब इंडिया का घटक दल ने कहा। जीएसटी के बारे में भी सबका एक ही मत है, सब लोग एनडीए घटक दल सब लोग साथ दे रहे। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनडीए देर ऑल फुल्ली सपोर्टिंग द जीएसटी बिल। दे सेड एज एंड व्हेन इट इज टेकन अप दे विल स्टैंड इन फेवर ऑफ द बिल इन द हाउस एंड।